गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप सबको पता है, IGL अपने नाम के लिए जाना जाता है। IGL की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि आप सब लोग IGL में काम कर रहे हैं, IGL फैमिली के मेंबर्स हैं। तो आप सबको पता है कि IGL एक ब्रांड है और IGL अपने एम्प्लॉयज़ को फैमिली की तरह ट्रीट करता है। फैमिली डजेंट मीन्स दैट कि एज अ परिवार, परिवार इस तरह से ट्रीट करता है कि आपकी ग्रोथ कैसे हो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आप आगे कैसे आएँ, आपका करियर एक्सपोजर्स कैसे हो। और जब आप IGL फैमिली के मेंबर्स बनते हो तो एक निश्चित रूप से गार्जियंस की एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों के टेक केयर करना। टेक केयर कैसे हो सकता है एज ए इंडस्ट्री? नॉलेज को इन्हेंस करके ही टेक केयर किया जा सकता है, बिकॉज ऑल वी आर हेयर एज अ प्रोफेशनल्स। सब यहाँ पे काम करने आए हैं, अपने करियर बनाने आए हैं, अपने टैलेंट के बेसिस पे आए हैं, अपने स्किल के बेसिस पे आए हैं, अपने नॉलेज के बेस पे आए हैं और अपनी पढ़ाई के बेस पे आए हैं। यही एक क्राइटेरिया है IGL पे सिलेक्शन का, और दूसरा कोई क्राइटेरिया, दूसरा कोई मापदंड नहीं है। तो उस क्राइटेरिया और उस मापदंड को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए IGL हर भरसक प्रयास करता है कि अपने एम्प्लॉयज के अंदर टैलेंट को कैसे डेवलप किया जा सके, लोगों को कैसे उनके अंदर छिपे हुए टैलेंट को जाना जा सके और उनको बताया जा सके। इसे मुझे एक जौहरी विंडोज का एक कॉन्सेप्ट याद आता है कि देयर इज अ फोर कॉर्नर ऑफ द लाइफ। हमारे सारे जीवन में हमारे चार कॉर्नर हैं, चार खिड़कियां हैं। फर्स्ट वन इज अ ओपन, ऐसी चीजें हैं जो आप भी जानते हैं अपने बारे में और दूसरों को भी बताना चाहते हैं और दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। दूसरा हमारे लाइफ का एक पहलू होता है, दैट इज अ क्लोज सर्किट, कि वो चीजें सिर्फ हम जानते हैं अपने बारे में, हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, बट वो चीजें हम किसी दूसरे को बताना नहीं चाहते, ना तो कोई दूसरा जानता है। जैसे आपकी कमियां, आप किसी स्किल में काम कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं, आप क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपको कहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बट वो चीज़ें हम किसी से शेयर नहीं करते, नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी कमियाँ जो है उजागर हो सकती हैं। तीसरा पार्ट क्या है हमारी लाइफ का, एक ऐसा पहलू है, दैट इज अ ब्लाइंड, ऐसा पहलू कि अपने बारे में मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैं तेज़ बोल रहा हूँ, धीमा बोल रहा हूँ, मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, मेरी फ्लुएंसी ठीक है नहीं ठीक है, ये मैं चूंकि दे रहा हूँ इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरे सामने से कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं और मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए फीडबैक हमेशा ओपन रहना चाहिए, फीडबैक लेने के लिए। वो चीज़ें जो समाज आपके बारे में जानता है, कलीग आपके बारे में जानता है, दूसरे आपके बारे में जानते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, तो उसमें भी हमें काम करना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, वो फीडबैक के माध्यम से पता चलेंगे। फोर्थ पार्ट जो हमारे लाइफ का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, उस पोटेंशियल के बारे में ना मैं जानता हूँ ना मेरा कलीग जानता है। आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है, आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप किन ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं, उस चीज़ को आपको भी नहीं पता है, क्योंकि अभी आप उन गहराइयों तक आप उतरे नहीं है। और दूसरों को भी नहीं पता है, क्योंकि दूसरे आपके गहराइयों के बारे में कैसे जानेगा। तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, इस बारे में जानने का प्रयास, जो ट्रेनिंग के माध्यम से, अदर सेशन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, आपको ये जानना चाहिए कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, इसे पोटेंशियल असेसमेंट भी होता है। ये चार पार्ट्स हमारे लाइफ के हर इंसान के साथ होते हैं, और इन चार पार्ट्स में हमें ज़्यादातर कोशिश करने की, बाकी के जो लास्ट के थ्री पार्ट्स हैं उन्हें रिड्यूस करना है, और फर्स्ट पार्ट जो ओपननेस का पार्ट है हमें वहाँ पर लेकर के आना है, क्योंकि इंडस्ट्री में एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। हमें क्या आता है, हमें ये नहीं कोशिश करना है कि ये चीज़ सिर्फ मुझे ही पता हो, दूसरे को ना पता हो, क्योंकि ऑलवेज वी हैव टू थिंक हाउ वी कैन शेयर द नॉलेज, अपने कलीग का पोटेंशियल, कलीग का नॉलेज, कलीग की स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे जो माननीय शुक्ला साहब हैं, बिजनेस हेड हैं, जिनसे आप सब परिचित हैं, वो नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं। उनका जो बेसिक कोर एरिया है या बेसिक उनका जो इंटरेस्ट है, वो ये है कि लोगों के लेवल को कैसे बढ़ाएं, नई चीज़ों का इन्वेंशन कैसे हो, नए थॉट प्रोसेस कैसे आए, मशीन और ह्यूमन का इंटरवेंशन कैसे बढ़ाएं, नए इनोवेशंस कैसे हो, कॉस्ट सेविंग कैसे हो। आप सब उनको जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनकी वजह से आज ये ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि माननीय शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन करेंगे। दूसरे आप ओनर से मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियों से अपने खुद का स्वागत करें, अभी तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी सी हो नहीं रही है। तीसरा हम आइस ब्रेकिंग का काम करेंगे, जो अभी आपके और हमारे बीच में जो एक लेयर है, एक इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, जिसे आपके और हमारे बीच में जो गैप है अभी, जो एक तरह से सामंजस्य नहीं मिल पा रहा है, वो भी मिले, ताकि हम उसमें काम कर सकें,
एक फीडबैक अच्छा सेशन होगा, अच्छा फीडबैक आएगा, कुछ हम बात करेंगे, कुछ आप बात करेंगे, जिससे एक मिला जुला एक कंबाइंड होगा। दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग, दिस इज अ बेसिकली वर्कशॉप। वर्कशॉप और ट्रेनिंग में थोड़ा सा अंतर है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि ट्रेनर आपको बताता है, जैसे कि क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, क्लास में आप जाइए, प्रोफेसर आपको पढ़ाता है, वो बोलता है और आप सुनते हैं, नोट करते हैं। बट वर्कशॉप में ऐसा नहीं है। वर्कशॉप में 50-50 का पार्टिसिपेशन होता है। कुछ बातें वो शेयर करते हैं अपनी लाइफ की, कुछ जर्नी आप शेयर करते हैं, उससे मिलजुला करके एक नया डेवलप होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है वर्कशॉप में, जो इंडस्ट्री की नीड है। तो आज हम वर्कशॉप यहाँ पे करेंगे और मैं चाहूँगा प्लांटेड के लिए भी जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और इस ट्रेनिंग सेशन में मिस्टर सुनील जी का बड़ा योगदान है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, इसलिए उनके भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी सेशन में मैं आगे आपको इंट्रोड्यूस करता हूं मिस्टर रश्मि रंजन को, जिनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। इससे पहले ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हो, मैं रश्मि रंजन जी के बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूं। वैसे मैंने साइनोप्सिस शेयर किया था आप सब लोगों के बीच में। इनका मोर देन 18 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है चेंज मैनेजमेंट में। इंडियन और US मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया है और इन्होंने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उड़ान प्रोजेक्ट में जिसमें ये काम कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं उड़ान प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का कितना ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट काम कर रही है, इनके साथ ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रतिभा के धनी है। ये बेसिकली इनके अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, इन्होंने बीटेक किया हुआ है, इसके बाद कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, चेंज मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और अभी अभी इन्होंने बताया कि जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये इंडिया की फर्स्ट ट्रेनिंग है जो है एंटरप्रेन्योरशिप में। कैसे ट्रेनिंग होगी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इस ट्रेनिंग का आउटपुट क्या आना है, ये भी जानना आप लोगों के बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेनिंग का बेसिक उद्देश्य है अपने आप को समझना, इंडस्ट्री की नीड को समझना और अपने पोटेंशियल को इंडस्ट्री नीड के बेसिस में इस्टेब्लिश करना और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। केवल तीन ही उद्देश्य हैं, अपने आप को डिस्कवर करना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल नीड की इंपॉर्टेंस को डिस्कवर करना, अंडरस्टैंड करना, और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके आपको अत्यधिक ऊंचाइयों तक पहुंचना या पहुंचाना। तीन उद्देश्य के तहत ये ट्रेनिंग की जा रही है। अब मैं जोरदार तालियों से मिस्टर रश्मि रंजन जी का स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। और मैं रश्मि जी से अनुरोध करूंगा कि आपको इस ट्रेनिंग के बारे में, इस सेशन के बारे में बताएं, कैसे ये इफेक्टिव हो सकता है उसके बारे में बताएं और इस ट्रेनिंग सेशन को शुरुआत करें। थैंक यू सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। एक और आज का जो एजेंडा है वो इंट्राप्रेन्योरशिप टू फाइट एट्रिशन। देखिए डियर पार्टिसिपेंट्स, हमारे देश में एट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है कंपनियों में। आपने देखा होगा अभी एक रिसेंट सर्वे आया था कि TCS में वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया। एज ए रिजल्ट पहली बार हिस्ट्री ऑफ TCS महिलाओं ने सबसे ज्यादा रेजिग्नेशन दे दिया, 35%। इट्स नॉट वॉलेंट्री, या इट्स वॉलेंट्री, वॉलेंट्री क्यों? एक पर्टिकुलर पद्धति के वो आदि हो चुके हैं पिछले 2-2.5 सालों में। तो जैसा मैं कह रहा था कि TCS में हाल में 35% महिला कर्मचारियों ने रिजाइन दिया, वॉलेंट्री रेजिग्नेशन दिया वर्क फ्रॉम होम के अगेंस्ट, क्योंकि अब कंपलसरी है लोगों को ऑफिस में आकर काम करना। किसी कंपनी में मास ले ऑफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जैसे गूगल ने कहा 10,000 या 12,000 कर्मचारियों को निकालने की बात, ऐसे ही कई कंपनियां Amazon, बाइजूज, कई नाम आ रहे हैं। वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, फोर्सफुल जिसे कहते हैं, हो रहे हैं, कहीं पर कंपनी को बचाने के नाम पर, कहीं पर इंप्लॉयज खुद डिसेटिस्फाइड है। तो जब मेरे सामने माननीय बिजनेस हेड सर श्री एस के शुक्ल साहब ने कहा कि रंजन मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आइए जो हमारे कर्मचारियों को कुछ नवीनतम सोच के साथ अग्रसर करे, अग्रसित करे, जो उन्हें बताए कि IGL क्या कर रहा है और IGL के साथ भविष्य क्या हो सकता है। लेकिन ये एक नवीनतम प्रयास था। क्या होगा इंटरप्रेनरशिप, इसका मतलब क्या है, सब आने वाले स्लाइड्स में आप जानेंगे। मैं सिर्फ अभी भूमिका बना रहा हूं कि आप समझें
कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, और कई कंपनियों ने इसको अपनाकर, विदेशी कंपनियां जैसे गूगल, 3M जैसी कंपनियों ने इसको बड़े मास लेवल पर कई सालों से, कई दशकों से अपने यहां यूज किया। हमारे यहां भी होता है, जैसे टाटा ने किया, ITC ने किया, है ना, प्रयास किया, इंफोसिस ने किया। मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में, वो एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए और उसको कराने का तरीका भी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होगा आप लोगों के लिए, तो मज़ा आएगा। विनर एंड कोई लूजर तो नहीं होगा, विनर एंड समवन हु कैन बी फॉलोअर। अब आप विनर बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं, मैं लूजर नहीं कहूँगा, क्योंकि आज के सेशन में कोई लूजर नहीं होगा, सब कुछ ना कुछ ज़्यादा सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ओके। अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, अरिस्टोटल, हाँ। नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। अपने आप को जानना ही किसी भी ज्ञान का सूचक है या परिचायक है। अपने आप को जानना, हम सबको जानने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी वेट क्या है, तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और हमने आपको एक एनालिसिस करके डास टेस्ट वगैरह कराया, उससे हमने आपको जानने की कोशिश की, है कि नहीं। उससे आपको तो पता चला कि मैं किस हिसाब से, मेरी एनालिसिस हुई है, किन पैरामीटर्स पे हुई है, उसका ग्राफ कितना बन रहा है, और क्या मैं अकेला हूं कंपनी में या मेरे साथ और भी 5% 10% लोग हैं। नेल्सन मंडेला साहब का कहना था, लर्न टू नो योर सेल्फ टू सर्च रियलिस्टिकली एंड रेगुलरली द प्रोसेस ऑफ योर ओन माइंड एंड फीलिंग्स। अपने आप को जानना, समझना सबसे बड़ी चैलेंज है एक इंसान के लिए। हम सबको जानने क्या, भाई मैं तुझे 10 साल से जानता हूं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे अपने बारे में 10 लाइन बोलिए, भाई क्या बोलना है मेरे बारे में, दुनिया जानती है ना। तो अपने बारे में जब तक आप नहीं जानते हैं, तब तक आप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते हैं। बैंक कहती है KYC फॉर्म भरिए, नो योर कस्टमर, लेकिन कभी आपसे कोई नहीं कहता है कि नो योर सेल्फ, उसका कोई फॉर्म भरिए। एज ए रिजल्ट कभी आप उस इंट्रोस्पेक्शन में जाते ही नहीं है, अपने आप को सोचने समझने का मौका देते ही नहीं है, और कहते हैं जीवन के भागदौड़ में मैं इतना उलझ गया हूं कि मुझे अपने बारे में सोचने की 1 मिनट समय नहीं है। इंट्राप्रेन्योर बनना तो एक नेक्स्ट लेवल की बात है, पहले नो योर सेल्फ, और उसको हमने जाना डास टेस्ट के द्वारा, राइट। आप लोगों ने जाना अपने आप को, कितने परसेंट क्या है और क्या है सारी बातें, फिर आपने अपने नॉलेज को भी टेस्ट किया कि आप अपने कंपनी को कितना जानते हैं, कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके नाम, उसके फाउंडर, उसके बिजनेस हेड, कितने जगह प्लांट हैं या क्या है, सारी चीजों को आपने 11 सवाल में जल्दी जल्दी जाना। अब आप जान चुके हैं अपने आप को, आप जान चुके हैं कि आप कंपनी को कितना जानते हैं, कमी है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। और अब हम शुरुआत करने से पहले, श्री US भरतिया जी जो CMD हैं कंपनी के, उनके बारे में एक बायोग्राफ, एक 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 उनका बायोडेटा कह सकते हैं, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। मैं चाहूंगा कि कितने लोग हैं टोटल अपने साथ, 4-4 लोग टीम में डिवाइड हो जाइए और थोड़ा गैप दे दीजिए, 4-4 लोग आपस में बढ़ते जाइए, जो लोग हैं यहाँ, हाँ, और थोड़ा गैप दे दीजिए आपस में। अब यहाँ से टीम वाइज लर्निंग होगी और टीम वाइज ही कोई भी होगा, और आप और जो जो टीम बन रही है अपना अपना नाम रख लीजिए फटाफट, 2 मिनट का टाइम मिल रहा है टीम का नाम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 मिनट का समय दे रहा हूँ अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने का, कि आप IGL को कितने अच्छे से जानते हैं, और मैं एज ए स्पॉन्सर क्यों IGL में इन्वेस्ट करूं, क्यों IGL के साथ जुड़ूं, या एज ए कस्टमर मैं क्यों आपको ऑर्डर दूं, आप में ऐसी क्या खासियत है कि मुझे बाकी कंपनियों के पास नहीं जानी चाहिए। अब आपके बीच में आप 4 लोग 3 लोग मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, बेस्ट स्क्रिप्ट लिखिए कि आपकी पहली 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन सुनकर ही मैं अट्रैक्ट हो जाऊं। हाँ, और बताइए, वो बोलने वाले के ऊपर भी है। इंट्राप्रेन्योर
क्या होता है अभी भी हम लोग जानना बाकी है। उससे पहले मैं आपके गुण को टटोल रहा हूं कि कौन सी टीम बेहतर काम करेगी, तो सर समय को ध्यान में रखते हुए की तरफ से पन्नेलाल यह अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। और इस सबसे पहला टॉपिक हमारा है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वर्ल्ड लेवल के को टच करता है, मतलब उसको क्रॉस करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वेस्ट को आसपास के चीज़ों को यूटिलाइज करके हम बेटर प्रोडक्ट कैसे दें और जीरो इन्वायरमेंट को जो है नुकसान हो, निर्माण का प्रोटेक्शन। इसमें है हमारे रेड कैटेगरी का मोलासेस हम लेते हैं शुगर मिलों से, जो कि जो है सबसे ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। उससे हम जो है इथेनॉल बनाते हैं, उसके इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में जो इफ्लुएंट निकलता है स्पेंट वास, उसको हम इवेपोरेटर में ड्राई करते हैं और सीधे बॉयलर में जला देते हैं, जो कि ऊर्जा देती है हमको, मतलब उसको ऊर्जा के रूप में भी हम यूटिलाइज करके जो है जीरो टॉलरेंस इन्वायरमेंट को जो है नुकसान देते हैं। और उससे दूसरा प्रोडक्ट इथेनॉल जो है हमारे आने वाले भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है ये लगभग सभी लोगों को मालूम है। उस एरिया में जो है हमारा इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड अशोचनीय प्रयास कर रहा है और उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारे टीम मेंबर, हाँ सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। मैं बेस्ट ग्रुप से राकेश कुमार सिंह, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इस प्लांट को लगा रहे थे, हमारे भारतीय जी की सोच थी कि कैसे इसको इसके इफ्लुएंट को कैसे यूज किया जाए, उसी के हिसाब से हमने जो बॉयलर लगाया था तो उसी के डिज़ाइन पे लगाया था कि इस कंपनी को किस तरह वो किया जाए, सेव किया जाए इन्वायरमेंट से, पोल्यूशन से, इस तरह से। तो हमने शुरू में ही स्लोप इंसुलेशन बॉयलर लगाया था जो इसके बेस्ट मटेरियल को उसमें यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने 4 मेगावाट टर्बाइन लगाई, जो 4 मेगावाट टर्बाइन लगाई गई है, और फिर उसके बाद जो है 12 मेगावाट टर्बाइन लगाई, उस जो कंडेंसिंग थी उसमें हमने पावर एक्सपोर्ट का ऑप्शन लिया था। और जो है हमारे पास पहले अभी स्लोप इंसुलेशन बॉयलर, इस समय हमारे पास 3 बॉयलर हैं, एक 35 टन और 45 टन और 55 टन। अब बाद में हम लोग जो है इस समय जो हम लोग शुरू में RS प्लांट लगाया गया था, पहले हम लोग MEG केवल यहाँ से MEG केवल बनाने के लिए लगाया गया था, बाद में ENA का बॉटलिंग प्लांट शुरू किया गया। बॉटलिंग प्लांट शुरू करने के लिए हम लोग जो है 5000 केसेस शुरू किए थे, उसके बाद जो है 5000 केसेस से आज हमारे यहाँ 20 लाख केसेस। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारी जो पहले जो हमारी मोनोथाइल में 1983 में स्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद से जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारी जो ग्रोथ है वो हमारी है कि हम लोग पहले 500 करोड़ से 5000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। हमारा कोलैबोरेशन जो भी है, जो हमारा कोलैबोरेशन है, कोका कोला है, आपकी बाकी कंपनीज भी हैं जिनके साथ हमारी रेपुटेड, प्लस हमारा इंटर टीपोर्ट जो हमारी भी फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम आपके पास कोई भी प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं बहुत एफिशेंट टाइम में और जल्दी में। दूसरी चीज़ हमारे पास है आपकी फैसिलिटीज़, हमारा करिकुलम एक्टिविटीज, जिसमें हम एनवायरनमेंट को भी अपने देखते हैं, जैसे कि हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे लेबर्स के लिए भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उसमें होते हैं उनके लिए स्कूल्स हैं, हेल्थ कैंप्स हैं आपके, प्लस हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर ग्रीन बेस्ड से प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, जिससे हमारे ग्रीनरी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एनवायरनमेंट इफेक्टिव रहती है। प्लस हमारे पास अभी हमारे पास जो चल रहा है, हमारे पास और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए जिसमें टर्बाइंस है हमारे पास, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 6 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी वो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस 6 मेगावाट हम लोग सप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं, जिससे हमारे पास
आपको बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की फैसिलिटीज है। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो कंपनी है इंडिया ग्लाइकॉल लिमिटेड, ये बेसिकली काम इस पर करती है कि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और जो भी हमारा वेस्टेज हो वो मिनिमाइज हो, जो कि एक मेजर फैक्टर है किसी भी कंपनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और हमारी जो कंपनी है वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और इसका टर्नओवर 300 करोड़ का है, जो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी की हेल्प कर रहा है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ होते हैं, इसलिए इसके प्रोडक्ट्स का स्कोप भी ज़्यादा है। उसको हम मेडिकल कंपनीज़ को भी हम दे सकते हैं, हम इथेनॉल भी बनाते हैं, और हमारी कंपनी जो है वो ग्रीन पेट्रोकेमिकल्स बनाती है जो कि बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और तो और जो भी हमारे वेस्टेज होते हैं उसको हम रीयूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो जनरेशन है कंपनी से वो कम हो जाता है, और जो भी हमारी वेस्टेज होती है वो रीयूज़ करने की वजह से हम उससे बेहतर आउटपुट भी निकाल लेते हैं। और ये लोकल्स को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, और सोशल सर्विसेज में भी कंपनी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कंपनी की हमेशा चलती रहेगी। सर, बेसिकली हमारी जो मदर यूनिट काशीपुर है वो 1983 में फॉर्म हुई थी, और हम 1983 में फॉर्म हुई थी, और हमारी जो गोरखपुर यूनिट है वो 2004 में फॉर्म हुई है। यहाँ का जो मेन प्रोडक्ट है सर वो पोर्टेबल लीकर है, और हम ENA भी प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे काम करते हैं। जो हमारा वेस्टेज रहते हैं हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं बॉयलर में एज अ बर्निंग फ्यूल। सर, लास्ट मंथ अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ का जो डिस्पैचेस थे वो 19 लाख केसेस थे, और सर हम कंट्री लीकर और फॉरेन लीकर दोनों में डील करते हैं, और हम जो ENA प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लेंड करने के लिए IOCL को भी देने के मतलब प्रोसेस में है। इथेनॉल सर दे रहे हैं। सर ओके। और सर हमारा मंथली रेवेन्यू जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं वो 300 करोड़ का है बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्शन। तो हम वर्ल्ड क्लास मशीन्स जो है प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं एज टेट्रा पैक, वी हैव हाई स्पीड मशीन्स फॉर प्रोडक्शन, एंड आवर प्रोडक्शन इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटी, सो वी डेफिनेटली डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, एंड वी हैव डिफरेंट डिपोज वेयर वी ट्रांसफ़र आवर गुड्स to a depot and that transfer to the local market. Thanks. सर, एज ए बिजनेस पार्टनर जुड़ने के लिए चार चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारा टर्नओवर, हमारी जिम्मेदारी और हमारी पब्लिक इमेज। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादातर ग्रीन प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, ग्रीन बनाते हैं हम लोग, ज़्यादातर पुरानी चीज़ों को बायो वेस्ट वगैरह को यूज़ करके बनाते हैं, बाकी अपने इथेनॉल हैं इसमें इथेनॉल को भी बनाते हैं, कई सारे केमिकल्स बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स हैं, और एक ओनली वन कंपनी है इन द वर्ल्ड जो ग्रीन मोनोइथिलीन ग्लाइकोल्स में डील करती है। उसके अलावा फाइटो केमिकल्स बनाते हैं, निकोटीन और केराटीन ऑयल वगैरह भी बनाते हैं। दूसरा है सर, हमारा फूड सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करते हैं जो 2006 से आया था लिकर बिजनेस में। उसके अलावा गुड इनिशिएटिव्स में पब्लिक इमेज में सर महिला सुरक्षा को भी ध्यान देते हैं, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत को भी ध्यान देते हैं, साथ साथ में आसपास लोकल्स में उन लोगों के लिए भी उनके लिए रोज़गार का सृजन करते हैं, साथ साथ में पौधारोपण और ऑक्सीजन प्लांट्स के क्षेत्र में भी काम करते हैं। इसके अलावा सर हमारे जो पार्टनर्स हैं कोका कोला हैं, HP हैं, बकार्डी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेरोलैक, डाबर, ONGC और एट्सेट्रा हैं। इसके अलावा जो हमने सेवा की है अभी लॉकडाउन में और कोरोना के काल में, उस समय 3 दिन में हमने लाइसेंस ले लिया था सैनिटाइज़र का, और 20 दिन के अंदर अंदर हमने 6 से 6.5 लाख बोतलें बांट दी थी मुफ्त में। तो इस तरह से पब्लिक इमेज डील करते हैं। हमारा टर्नओवर जो है वो 5,000 करोड़ का है, तो इस वजह से बिजनेस जुड़ना चाहिए। I want to introduce my company, India Glycos Limited. हमारी कंपनी क्वालिटी सप्लाई चेन को इंट्रोड्यूस करती है, जैसे ISO के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करती है, और हमारी जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो स्टैंडर्डाइज होते हैं,
जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तो वेस्ट मटेरियल से जैसे मोलेसिस है, बायोमास है, स्लोप से अल्कोहल और MEG एनर्जी बनाया। और इसके साथ ही सोशल वर्क भी किया है, वुमेन एम्पावर को भी सपोर्ट किया है, अबाउट 300 वुमेन्स को काम दिया है और उनको ट्रेंड भी किया है, सेफ्टी के लिए उनको व्हीकल प्रोवाइड किया है, एजुकेशन के लिए जो पास में जुड़ियान गांव है उसको एडॉप्ट किया है, मॉडल स्कूल बनाया है, फार्मर्स के लिए जो राइस हस्क होता है उसको लिया है, इससे उनकी आमदनी को बढ़ाया है, शुगर केन को भी बढ़ावा मिला है फार्मिंग के लिए, एनवायरनमेंट के लिए 23,427 प्लांटेशन किया है ड्यूरिंग इन कोविड वेव में, सैनिटाइजर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। और हमारी जो कंपनी है इसने मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जो अभियान है उसको भी सपोर्ट किया है। थैंक यू सर। और सर मैं IGL के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि सर लेट मोहन लाल सर ने जो 35 साल पहले देखा था विजन कि IGL कंपनी को स्थापित करके जो हमें पूरा करना है वो उन्होंने IGL को स्थापित करके पूरा किया। और कंपनी के बारे में मुझे ये अच्छा लगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने महिलाओं को नौकरी दे करके बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। और सबसे अच्छी बात है सर ये कि युवाओं को कॉलेज से प्लेसमेंट ये लेते हैं जिससे कि और बाकी कंपनियां नहीं लेती हैं, जिससे युवाएं डिग्री लेकर के भटकते रहते हैं। और सबसे अच्छा लगा सर कि ये पब्लिक हेल्थ इशू, पब्लिक चेकअप ये सब चीज़ें करती हैं सर, और सर हर एक फैसिलिटी है इसमें। और IGL को सर ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बाकी कंपनियों से सर बेहतर काम किया, हर एक स्कीम, हर एक चीज़, स्वास्थ्य योजना और सर हर एक चीज़ में IGL बहुत अच्छा रहा है सर, इतना ही कहना चाहता हूँ बस। थैंक यू सर। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव और मैं विना टीम से। सबसे बड़ी चीज़ आप हमारे साथ क्यों एसोसिएट करें या कोई भी IGL के साथ जो हमारी कंपनी है वो क्यों एसोसिएट हो किसी भी रूप में एज ए कस्टमर या एज ए पार्टनर, तो दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें। पहली चीज़ विजनरी मैनेजमेंट, हमारा जो मैनेजमेंट है वो मात्र आज से 40 साल पहले एग्जैक्टली 1983 में शुरू हुई कंपनी जो कि एक ग्रीन MEG यानी कि मोनोएथिलीन ग्लाइकोल से शुरू हुई थी, वो आज 600 से प्लस प्रोडक्ट बना रही है। और इसके साथ ही प्रोडक्ट में बराबर रिसर्च चलता रहता है और गहन अनुसंधान पे हम जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट हमारा क्या करता है कि हमारी कास्ट कटिंग करता रहता है और प्रॉफिट बढ़ाता रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ जो एसोसिएट होता है वो विन और विन की पोजिशन में होता है। एक बार सर के लिए स्पेशल। इतना ही नहीं, राष्ट्र के लिए हम कितना कर रहे हैं कि 300 करोड़ जो हमको दिखाए गए, तो 300 करोड़ तो हम एक मद में है, यानी कि 3600 करोड़ रुपए सालाना जमा करते हैं। इसके अलावा लगभग 72 करोड़ रुपए हम और GST के रूप में उसको देते हैं। साथ ही हमारी अलग अलग इस कंपनी को अलग अलग पोर्ट पर, अलग अलग जगह पर कई सारे अवार्ड मिले हैं इसके अच्छे कामों के लिए, इसके जो इनोवेटिव डिसीजंस हुए उस काम के लिए इसको मिले हुए हैं। और आज की डेट में एक प्रोडक्ट जो था MEG से शुरू हुआ, आज जैसे इथिलीन ग्लाइको ईथर है, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, फाइटो और हर्बल में भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी हमारे साथ होता है, चाहे एज ए आप एसोसिएट, मतलब एसोसिएट हो पार्टनर की तरीके से, कस्टमर की तरीके से, तो जैसे जैसे हमारा जो वर्सेटाइल एक्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसमें आप भी फायदे में रहेंगे और हम भी फायदे में रहेंगे और हमारे साथ जुड़ने वाला। आप हमारी कंपनी से क्यों जुड़े हैं इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। हमारी कंपनी जो है एक
वाइड रेंज आप प्रोडक्ट बनाती है और टाइम बीइंग जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा, बशर्ते हमारे यहाँ एक हम यूपी के सबसे बड़े कंट्री लिकर में प्रोडक्ट बनाते हैं और हाईएस्ट सेलर भी हैं। हमारा एक ब्रांड बंटी बबली है जो इंडिया लेवल पे हाईएस्ट बिकता है और यूपी में तो हम नंबर एक हैं ही हैं, किसी किसी मंथ में हम लोग इंडिया में नंबर एक प्रोडक्शन में चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए सारे पैरामीटर के बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, कंटेंट, क्योंकि आप किसी कस्टमर को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो अगर आप खुद ही दबे हुए हैं, आप डाउटफुल हैं, लग रहा है कि जैसे मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है डाटा को लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, तो विनर है अजय कुमार श्रीवास्तव जी, फर्स्ट पोजिशन। अरे हो जाइए प्लीज। वेरी गुड सर, के बारे में सर बताएं कुछ, आपको क्यों लगा विद दैट माइक, आप दोनों आ जाइए। हमारा जो आईजीएल की इंटरनल ऑडिटिंग टीम है परफॉर्मेंस की, इस सेशन में प्लीज आइए दोनों एचआर मैन सर और मैडम जी। आप दोनों ने इवैल्यूएट किया, ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा न्यूट्रल बॉडी, चारों टीम खड़े हो जाइए साथ में। हाँ प्लीज, लीडर के साथ खड़े हो जाइए। हमने जो रेटिंग की या हमने जो मार्किंग की वो उसका जो हमारा बेसिस था वो ये था कि सर ने कहा था कि एज ए इन्वेस्टर हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है हमें डिलीवर करने के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो भी ब्रीफिंग इनने की, जो भी चीज़ें समझाई रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के कॉस्ट कटिंग से लेकर के हमारी ग्रोथ रेट को लेकर के, तो वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट की और अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट। चलिए ऐसी ही परफॉर्मेंस आज सेशन में बनाए रखिएगा और बाकी टीम्स के लिए चैलेंज है कि क्या इन्हीं को बार बार आप फर्स्ट होने देंगे, अभी मौका बहुत है जीतने के। सेकेंड हिमांशु एंड द टीम, इनके लिए तालियां। बाकी का देखिए आप चारों मेंबर आगे आ जाइए। सर इनके बारे में भी आप बताइएगा, आ जाइए यहाँ सर मैडम है दोनों कैमरे में दिखने के लिए, आ जाइए। अब पांच लोग हैं। अच्छा पहले हिमांशु को बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपको हमने सेकंड नंबर पे रखा। उसको रखने के पीछे वजह ये थी कि आपके कंटेंट वॉज गुड, जो भी चीज़ें आपको दिखाई गई वहाँ पे उसको आपने माइन्यूटली कैप्चर किया और जो आपकी डिलीवरी थी, जो चीज़ें आपने कैप्चर की, जो चीज़ें आपने नोट की और जो उसको जिस तरीके से डिलीवर किया वो मुझे अच्छा लगा। दैट इज़ व्हाई गिव यू सेकंड नंबर। थैंक यू। तो सर विनर को 5 पॉइंट दीजिएगा, सेकेंड को 3 और थर्ड को 1, वो आप लिख दीजिए ताकि आज कंपटीशन बना रहे सर, बरकरार रहे आप दोनों के माध्यम से। अब तीसरी टीम जो जीती है वो कौन है सर? तीसरी टीम कृष्णा अचिनोस। ओके कृष्णा यादव आ जाइए। कौन है कृष्णा यादव? यहाँ आ जाइए आपको, आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ओके जो भी ऐसा टास्क मिलेंगे, फर्स्ट वाले को 5 नंबर, सेकंड वाले को 3 नंबर और थर्ड वाले को 1 नंबर। इसका ये था कि इनको अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी मोस्टली मेरे ख्याल से 6 मंथ्स ही हुए हैं इन लोग को ज्वाइन किए हुए, और 6 मंथ्स में इन लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत कंपनी के बारे में भी जाना है इन्होंने, इसलिए हमने इनको तो जरिया है इनको इम्प्रेस करना है। तो वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक पोस्ट लंच सेशन। एंटरप्रेन्योरशिप टू फाइट एट्रिशन ये एजेंडा है और अभी हमने लंच से पहले असेसमेंट किया, पहले आपने अपने आप को जाना, फिर आपने कंपनी के बैकग्राउंड पर अपना एक असेसमेंट दिया, उसके बाद आपने और क्या किया कुछ याद है या लंच किए गए? तो डायरेक्ट असेसमेंट के बाद हम लोगों ने लंच कर लिया, आपने पिच तैयार की, आपने कंपनी के बारे में जाना और उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया गया कि आप लोग टीम्स में 4-4 मेंबर टीम में डिवाइड हो जाइए। तो 10 टीमों ने इसमें भागीदारी की और उसमें
सब ने अपनी अपनी पिच की, 2 मिनट्स पिच कि वो जो हैं कंपनी के मैनेजमेंट, या क्योंकि इंट्रप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, अभी मैं उसके गहराई में जाने से पहले बस ऊपर बता दूं, आप कंपनी के अंदर हैं, कंपनी पूरा रिस्क उठा रही है, कंपनी पूरा इन्वेस्ट कर रही है, आप लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वही एक एंटरप्रेन्योर कंपनी से अलग होकर अपना स्टार्टअप शुरू करता है, अपने रिसोर्सेज जनरेट करता है, अब मार्केट की स्टडी करता है, मार्केट के रिस्क को खुद उठाता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को पूरी कंपनी का सपोर्ट मिलता है, कंपनी बोलती है आप अपना 20% ऑफ द टाइम वीकली अपने आइडियाज पर काम कीजिए, कंपनी पैसा लगाएगी, कंपनी के रिसोर्सेज को आप यूज कीजिए, कंप्यूटर को, जगह को, 7 दिन काम कर में से, मतलब 6 दिन काम करते हैं, 5 दिन आप हमारे काम कीजिए, 1 दिन आप अपने आइडिया पे काम कीजिए, और जब वो प्रोडक्ट का रूप ले ले तब उसमें कंपनी की या तो छोटी सी कोई हिस्सेदारी होती है। ठीक है, आप समझ गए अभी ओवरव्यू, इंट्राप्रेन्योर किसको कहते हैं, यानी अगर कंपनी में वो माहौल बन जाए कि हर इंप्लॉई को मौका हो अपनी आइडियाज को फ्रीली मैनेजमेंट तक ले जाने का, उन्हें अपने आइडियाज से रूबरू कराने का और उनको पिच करने का कि आप अगर मुझे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं तो कंपनी का लाभ कैसे होगा। इससे क्या होता है, इंप्लॉयज भी कंपनी में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो बेहतर कर सकते हैं बाकी इंप्लॉयज के मुकाबले, वो अपने लाइफ को, अपने अपने टैलेंट को एलिवेट कर सकते हैं, और दूसरा बाहर के जो टैलेंट है वो भी आपकी कंपनी में आना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये माहौल हमारी कंपनी में नहीं है, उसी कंपनी में मिलेगा, आईजीएल में ही मिलेगा। और आईजीएल के बैकग्राउंड से रूबरू कराने का मेरा मकसद क्या था, आपको इतना पावर पॉइंट स्लाइड्स वीडियोस दिखाने का, आप जान सकें कि आईजीएल इज नॉट अबाउट अ लिकर कंपनी ओनली प्रोड्यूसिंग इतने हजार बॉटल ऑफ लिकर या रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स। ये टैलेंट को नर्चर करता है, इनहाउस टैलेंट को डेवलप करता है, ये इंप्लॉयज के मोरल को हाई रखता है, जिसमें टॉप मैनेजमेंट एट द लेवल ऑफ रेस्पेक्टेड बिजनेस हेड ऑफ द कंपनी ही इज लीडिंग द मिशन फ्रॉम द फ्रंट। वो दिख रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं लखन साहब आप कर दो आईजीएल में, वो कर देना एक न्यूज़पेपर वो निकाल देना आप, बस वो ही इज हिमसेल्फ सीन हियर ऑन द ग्राउंड। उसको कहते हैं वॉक द टॉक, लीडरशिप लेवल पर जब ये इच्छा होती है तभी बाकी इंप्लॉयज को भी लगता है कि अगर हम कोई आइडियाज देंगे तो उसे सुना जाएगा या वो मैनेजमेंट तैयार है बदलाव के लिए। लेकिन कई बार एक सर ने जैसे कहा स्टार्टिंग में, एक आइस को ब्रेक करना है आपके और हमारे बीच, एक है वो बर्फ की शायद मोटी पतली जैसी भी दीवार हो उसको तोड़ना है, ये सेशन उसी के लिए है और ये अपने आप में एक अनोखा और पहला सेशन है किसी भी कंपनी के द्वारा कि जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में आपको कई डेटाज मिलेंगे जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं अभी तुरंत आपको बताना चाहूंगा कि फोर्ब्स 500 की एक सर्वे की गई, टॉप 500 कंपनीज, और 1955 से 2015 के बीच देखा गया उसमें से 88% कंपनी गायब हो गई, 88% कंपनियां गायब हो गई, या तो मर्जर, एक्विजिशन, बैंकक्रप्ट करके वो कंपनी का अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा हम सेम लाइन पर चल रहे हैं और हम एक समय नोकिया हैं, एक समय याहू हैं, एक समय कोडेक हैं और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, हम मार्केट लीडर हैं, नंबर वन इन आवर इंडस्ट्री, गायब हो गए। क्योंकि उन्हीं के पीछे पीछे कोई नई सोच के साथ एप्पल आ रहा था, गूगल आ रहा था, लैरी पेज आ रहे थे, स्टीव जॉब्स आ रहे थे, और नोकिया को लगा कि हमें कौन, हम तो वर्ल्ड लीडर हैं, मार्केट शेयर हमारा लाइक अ ब्लू वेल, ओशियन में हम ब्लू वेल हैं, एंड दैट इज द रीजन वो कंपनियां एक्सटिंक्ट हो गई, आउट ऑफ द मार्केट हो गई। गुड, आईजीएल हैज बीन द लीडर 1983 से, बट व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। यहां आपने इंट्रोड्यूस किया 1983 में, फिर आप ग्रो करने लगे,
एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगे, बहुत बड़ा मार्केट शेयर आपने ले लिया, फिर आप यहां, मतलब यहां ग्रोथ है, फिर यहां मैच्योरिटी, यहां पर अगर आप आ गए और कहते हैं अब हमें इवॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सैचुरेशन, मतलब वो सैचुरेशन है, प्रोडक्ट भले ही बिक रहा हो पर अब हम कोई नए प्रोडक्ट लेकर नहीं आ रहे, हमारी जो पूरा वही प्रोडक्ट है कोई और नहीं बना रहा है, हम इसलिए मार्केट लीडर है, वहीं से बोरियत शुरू हो जाती है, सोच सरने लगती है लोगों की, अरे यार 10 साल पहले मैंने बड़ा मेहनत किया था यार, इस कंपनी को बनाने में मेरा बहुत कुछ था, अब मैं 12 बजे आता हूं और 2 बजे चला जाता हूं, कोई नहीं कहता यार, क्योंकि मैनेजमेंट से मेरी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो क्या होता है वैसी कंपनी में, डिक्लाइन शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तब डिक्लाइन करता है, प्रोडक्ट तब डिक्लाइन करता है जब इनोवेशन की कमी हो। टाटा कभी भी अपने आप को मैच्योर्ड कंपनी नहीं कहता है, वो कहता है वी आर ए ग्रोइंग कंपनी, आप सब कुछ में हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में हैं, ताज होटल लेकर हैं आप एयरलाइंस भी अब ले चुके हैं, आप ही ने शुरू किया और वापस उसी को आपने फिर से टेक ओवर किया, आपने लखटकिया गाड़ी भी बनाई नैनो, और आप ही जगुआर भी ले रहे हैं, यू नो रेंज रोवर अमेरिकन यू नो टेक ओवर किया है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रोइंग कंपनी का मेंटालिटी रखना एक फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ावा देने के बराबर है। कंटिन्यूअस इंप्रोवाइजेशन, भाई मुझे लग रहा है ना इसकी फिनिशिंग में कमी है, कस्टमर नहीं पकड़ रहा है, लेकिन हमने पकड़ लिया, अगली बार में इसको कर देंगे इंप्रूव। आज आपको मैं 30 केस स्टडीज दूंगा और मैं इसमें से वो टीमें चाहूंगा जो उन 30 केस स्टडीज को देखने के बाद सोच सकें कि IGL के अंदर, चाहे एंट्री गेट से लेकर कुछ भी, आप एक छोटा से छोटा उदाहरण अनाउंसमेंट कुछ भी अलग करके कंपनी को प्रॉफिट दिला सकें या उनकी कॉस्ट कटिंग कर सकें बिना इंप्लॉय ले ऑफ किए, क्योंकि एवरी पेनी अर्नड इज सेव्ड इज एवरी पेनी अर्नड, कहावत है ना, एक एक पैसा जो आप बचाते हैं इट इज ऑल इक्वल टू जो कमाकर आप कंपनी के अकाउंट में रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज हमसे कितना आगे हैं, कई कंपनियां इन चीजों को कैसे बढ़ावा देती है। इंट्राप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, इसको और मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। इमेजिन कीजिए कि सभी का सपना होता है कि एक घर बनाऊं, मैं होता है ना सपना, रिटायरमेंट के बाद बनाऊं या जवानी में बना लूं, आजकल तो 40 साल की उम्र तक जमीनें और फ्लैट बुक होने लगते हैं, EMI कटने लगते हैं, राइट, जमाना बदल गया। अब क्या होता है कि आपने एक घर बनाने का सपना देखा और आपने अपने सारे, आपने बना भी लिया मान लीजिए 40 साल 50 साल वॉट एवर योर एज इज, या रिटायरमेंट के बाद, और उस घर को बनाने के दिन आपने बना लिया और पूजा रखा आपने, हाउस वार्मिंग सेरेमनी रखा आपने, सब लोग आए, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, सब लोग घर को देखे, यार क्या बनाया है घर, बहुत बढ़िया घर है, होता है आपने देख, लेकिन उनको कुछ लग रहा है कुछ चीज की तो कमी है, और आपने उस घर में खिड़कियां नहीं बनवाई। इमेजिन कीजिए कि एक घर जिसमें खिड़कियां ना हो, आपसे पूछा भाई ये कैसा घर बनाया तूने, बड़ा अच्छा इंटीरियर है सब है, लेकिन खिड़कियां नहीं है, यार देख मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई झांके, और ना मैं चाहता हूं कि मैं झांक कर किसी और का घर देखूं और मुझे जेलसी फील हो, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, हीन भावना आ जाए। इसको क्या कहते हैं, ये वर्ड्स भी याद रखना बहुत जरूरी है, एक होता है इनसाइड आउट, एक होता है आउटसाइड इन। इनसाइड आउट आउटसाइड इन, आउटसाइड इन का मतलब बाहर के आइडिया से हम इन्फ्लुएंस होकर या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे, और इनसाइड आउट का मतलब है हमारे जो आइडियाज हैं उनको हम दुनिया को दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट जिस कंपनी में होता है वही कंपनी लगातार इनोवेट करती है। लेकिन अगर आपने अपनी खिड़कियां बनाई ही नहीं है, भाई हम खुश हैं अपने आप में, लाइक नोकिया लाइक याहू, हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है, हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है, ये सुपर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो यू आर बाउंड टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द मार्केट, कोई आपको बचा नहीं सकता।
एट्रिशन उसका एक पहलू है बस। जब कहते हैं ना, कहावत है, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जब जहाज डूबती है तो कहते हैं ना चूहे पहले निकलकर भागते हैं। जब कंपनी की पतन होने लगती है, इंप्लॉयज अपना बायोडेटा पहले से अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि उनको वहां कुछ नया करने को नहीं मिल रहा है। कई आईटी, एक समय था आईटी कंपनियों का 40% ग्रोथ होता था, आज 12% ग्रोथ है, ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स आ नहीं रहे हैं। एंड वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबल रिसेशन पोस्ट कोविड, ग्लोबल रिसेशन। इनोवेशन इज द ओनली वे जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं, इनोवेशन के द्वारा। और वो कंपनी का एक इंसान नहीं सोच सकता। जब अगर आपके पास 2000 कर्मचारी हैं, 3000 कर्मचारी हैं, क्या हर कोई मोटिवेटेड, क्या उसमें से 20% लोग भी सोच रहे हैं कि क्या मैं IGL को कोई नया सर्विस या प्रोडक्ट या कुछ के लिए सजेस्ट कर सकता हूं? क्या ओपन डोर पॉलिसी का सिस्टम है कंपनी में? क्या कोई ऐसा बॉक्स है जहां पर आप अपने आइडियाज डाल सकते हैं? कोई ऐसा ईमेल है जिस पर आप अपने आइडियाज मेल कर सकते हैं? और आप देखेंगे कई कंपनियों में हर तरह से कैसे वो कर रहे हैं। उनमें से मैं आज चाहूंगा कि आप में से सभी करें तो बहुत अच्छा, बट अगेन सर फॉर योर नॉलेज, हमने नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री पिछले असाइनमेंट में 10 टीमों में से डिसाइड किया था। सर लोग सार्क्स थे, मतलब दे हैव टू पिच देयर 2 मिनट्स, वो उनको पिच करना था फॉर अ इन्वेस्टमेंट कि क्यों वो IGL में इन्वेस्ट करें। वी विल हैव मोर टास्क लाइक दिस और टीम्स विल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज कि वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, 4 मेंबर, 3 मेंबर, वॉट एवर, एंड कम आउट विथ अ बेटर पिच, बेटर सॉल्यूशन। हर आइडिया से, हर तरह से आपको आज मौका अपने आप को उभारने का मिलेगा। तो एट्रिशन रेट क्या होता है? ओके, तो एट्रिशन रेट है, जान लीजिए, उस पीरियड में मान लीजिए अगर एक साल का एट्रिशन रेट देखना हो तो एट्रिशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है, कितने इंप्लॉयज ने उस पीरियड में कंपनी को छोड़ा डिवाइडेड बाई टोटल कितने इंप्लॉयज थे इन 200, 20%, 15% जो भी है निकल जाएगा, 50%, जैसे 35% निकला महिलाओं ने, 35% महिलाओं ने रिजाइन दे दिया TCS से बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी वॉज इवोक्ड। तो क्या हुआ कि वो छोड़ दिया कि नहीं, हम वर्क फ्रॉम होम का को हटाने का विरोध करते हैं, उस विरोध में छोड़ दिया, जबकि मेल ज्यादा रिजाइन करते हैं। तो ये हो गया वॉलेंट्री एग्जिट, ठीक है, इसमें कंपनी ने ले ऑफ नहीं किया, वॉलेंटरली द लेडीज डिसाइडेड कि हम नहीं काम करेंगे, विच इज रियली हाई एंड शॉकिंग फॉर द HR डिपार्टमेंट ऑल्सो। एट्रिशन रेट वैसे होता है, उसके बहुत सारे कारण होंगे, वो डिस्कस करेंगे। अब एम्प्लॉय एट्रिशन क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड या अनप्रेडिक्टेबल कमी आ जाए एम्प्लॉय टर्नओवर में, जिसमें आपका बेस्ट एम्प्लॉय भी निकल जाए कंपनी से, नो मैटर व्हाट, एम्प्लॉय एट्रिशन उसको कहते हैं। ठीक है, रंजन जी ने बहुत ही एनर्जी के साथ आप लोगों का सेशन लिया, रंजन जी के लिए पहले जोरदार तालियां हम बजाएंगे। और मॉर्निंग भी मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, प्लांट हेड साहब से रिक्वेस्ट की थी आने के लिए, लेकिन प्लांट में व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, हमारे बीच पधार चुके हैं, हम इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन इस ट्रेनिंग सेशन में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये ट्रेनिंग सेशन जो पूरे दिन का ट्रेनिंग सेशन चला है और वर्कशॉप जो चला है, इसमें हमने बहुत सारी नई चीज़ों को देखा है, नई चीज़ों को समझा है, नए नए थॉट प्रोसेस को समझा है, कैसे थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में गेम चेंजर का काम करते हैं, उन चीज़ों को भी देखा है। जिस प्लांट में हम काम कर रहे हैं, इस प्लांट में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं, अपने वर्क क्षेत्र में अपनी जगह पर लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को लाइफ को कैसे आसान बना सकते हैं, नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में हमने डिफरेंट तरीके से काम किया है, डिफरेंट तरीके से बात की है। हमने देखा किस तरह छोटे छोटे आइडियाज़ लोगों की लाइफ को चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आइडियाज़ आते हैं बट आइडिया से लाइफ चेंज नहीं होती है, आइडिया में हमें काम करना पड़ता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसको ग्राउंड लेवल पर लाना पड़ता है। अगर हमें किसी भी ऊँचाई तक जाना है तो ऊँचाई नापने से हम उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच जाएंगे, हमें उस पर चढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। जो आज का बेसिक हमारा जो ये प्रोग्राम था, इसलिए था
कि हम चीज़ों को समझें, फिर उन पर एक्शन करें, फिर उसका रिएक्शन देखें और फिर एक सक्सेस की ओर बढ़ें। फेलियर भी हो सकती है, बट बार बार प्रयास करने से निश्चित रूप से सफलता हाथ लगती है। नए नए थॉट प्रोसेस को लाइए, एक थॉट प्रोसेस लाइए। डीजीए मैनेजमेंट को हो सकता हो थॉट प्रोसेस नहीं इंप्लीमेंट हो, दूसरा थॉट प्रोसेस दीजिए, उस थॉट प्रोसेस पे कंटिन्यू सीखिए। जैसा इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट ऊपर जाने की बात करते हैं, डायरेक्ट सक्सेस की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की बात नहीं करते। एक स्टेप चल करके तो देखें, हो सकता है दूसरा स्टेप और आपके लिए आसान हो जाए। तो ये आज का जो उद्देश्य था, आज का ट्रेनिंग का उद्देश्य था हमारा, लर्निंग को, स्किल को कैसे करना है, नए आइडियाज़ को कैसे लेकर के आना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें थी। अब मैं प्लांट हेड साहब से अनुरोध करूँगा कि हमारा जो विज़न है, आईजीएल का जो विज़न है, जो मैनेजमेंट का विज़न है, मैनेजमेंट आपसे क्या चाहता है, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं अनुरोध करूँगा जी एम साहब से, हमारे बीच आ चुके हैं, अपने थॉट प्रोसेस के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से मैनेजमेंट की वो विज़न को आपको बताएं, जिस विज़न पे आप और हमें सब मिल करके काम करना है। मैं ज़ोरदार तालियों से साहब का अभिनंदन करूँगा। स्पीकर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि सर ने आप लोगों को ऐसा ऐसा हिस्ट्री बताई कि जिससे लोगों ने अपने जीवन में अपनी कंपनी के प्रति बहुत चेंजेस लाए हैं। मैं थोड़ा सा एक और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि कहीं मैं पढ़ रहा था कि कॉलगेट पोमोलिप, कॉलगेट पेस्ट का जो प्रोडक्शन है वो 20% घट गया। अचानक घटा तो लोगों के मन में ये हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारा प्रोडक्शन घट गया, हमारी सेल्स 20% 30% घट गई, जबकि हम 70% मार्केट कैप्चर किए हुए थे, ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें ये हुआ कि हमारा कंजम्पशन कम हो रहा है। उसके पीछे एक लॉजिक उन्होंने रखा कि जो कॉलगेट पोमोलिप का पेस्ट होता है, पेस्ट के ऊपर जो वो ड्रॉप निकालते हैं जहाँ से, उसका छेद छोटा है। ये आइडिया जो उन्होंने दिया कि इस छेद को अगर हम बड़ा कर दें तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा और हमारा सेल्स भी बढ़ेगा। और ये आइडिया जो है ये नीचे के लेवल ने दिया था, न कि ऊपर के लेवलों ने। तो ये जैसा सर ने कहा कि आइडिया हमेशा नीचे से आएगा, क्योंकि ऊपर वालों को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो उसके बारे में सोचें। अभी मैंने एक इम्प्लीमेंट किया, अपने प्लांट पे इम्प्लीमेंट किया है कि स्टीम का कंजम्पशन कैसे कम किया जाए। और ये जो आइडिया है, मैं 3 दिन प्लांट बंद करके उसको इम्प्लीमेंट कराया और ये इम्प्लीमेंट करने के बाद सक्सेसफुल ट्रायल किया उसका। और तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आजकल के माहौल में, आजकल की महंगाई के माहौल में। सर्वाइवल तभी हो सकता है जब हम एक एक चीज़ को इवेल्युएट करें, एक एक चीज़ के कॉस्टिंग को समझें कि अगर हम पैकिंग कर रहे हैं, अगर हम बॉटलिंग कर रहे हैं, अगर हम प्लांट चला रहे हैं तो किस कॉस्ट पे चला रहे हैं। अगर हम कॉस्ट नहीं पता है तो हम एवल्यूएशन क्या करेंगे, हम इनोवेटिव क्या करेंगे, इनोवेटिव आइडिया कैसे देंगे।